आप देख रहे हैं हिसाब खेल का, मैं हूं लक्ष्मी। इंग्लैंड में क्रिकेट विश्व कप 2019 के समर से पहले बैडमिंटन का समर 6 मार्च यानी कल से शुरू होगा। इंग्लैंड में टेनिस में विंबलडन तो बैडमिंटन में उसी लेवल पर ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप को माना जाता है। इंग्लैंड में क्रिकेट से पहले बैडमिंटन का समर शुरू होने वाला है। भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो श्रीकांत, एचएस प्रणय, समीर वर्मा और बीसाई प्रणीत से उम्मीदें होंगी। वहीं महिला टीम की बात करें तो हर बार की तरह इस बार भी साइना नेहवाल और पीवी सिंधु से देश को गोल्डन उम्मीदें हैं। सिंधु ने पिछले साल क्रिसमस के मौके पर वर्ल्ड सुपर सीरीज का खिताब हासिल किया, तो वहीं साइना ने हाल ही में इंडोनेशिया ओपन और राष्ट्रीय खिताब में सिंधु को हराकर जीत दर्ज की। ऐसे में भारत के पूर्व एशियन चैंपियन खिलाड़ी दिनेश खन्ना से साइना और सिंधु के गेम में अंतर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिंधु को तेज बताया। नहीं देखिए, दोनों का गेम जो है, साइना नेहवाल जो हैं वो एक, जो सिंधु है वो एक फास्ट पेस गेम खेलती हैं और उनके थोड़े पुशेस जो हैं अच्छे हैं, जो और एक उनकी रीच जो है काफ़ी, अपनी कद का पूरा उनका फ़ायदा मिलता है, कहीं से भी वो उठाने में समर्थ रहती हैं पॉइंट को। जहाँ तक साइना नेहवाल का प्रश्न है, उनके पास बहुत ही अच्छा अटैक है, बहुत दम है, दमदार स्मैश है उनके पास और उनके कन्वेंशनल स्ट्रोक्स हैं, हालांकि डिसेप्शन बहुत नहीं है, पर बहुत उनकी एक नीट गेम है और मूवमेंट भी उनकी अच्छी है। पर मैं समझता हूँ कि शायद पीवी सिंधु थोड़ी सी, अगर देखा जाए तो स्पीड में थोड़ी सी बेहतर हों इस वक्त साइना नेहवाल से। पुलवामा आतंकी हमले के बाद बीसीसीआई ने पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक करने के इरादे से आईसीसी को लेटर लिखा था, जिसके जवाब में आईसीसी ने अब पीठ दिखा दी है। इस लेटर में आतंक को पनाह देने वाले जैसे कि पाकिस्तान देशों को क्रिकेट से दूर रखने की बात कही गई थी। मुंबई में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीसीसीआई सचिव अमिताभ चौधरी से बीसीसीआई के आईसीसी को लिखे गए लेटर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसके जवाब में कहा, मैंने वो लेटर नहीं लिखा। हालांकि इससे पहले उन्होंने बताया कि आईसीसी के चेयरमैन शशांक मनोहर ने इस मुद्दे पर कहा था कि यह मामला आईसीसी के दायरे से बाहर का है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इस तरह के बयान के बाद लगभग माना जा रहा है कि अब क्रिकेट विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होगा। हालांकि बीसीसीआई लड़ाई जारी रखेगी। टोक्यो ओलंपिक 2020 पर सभी की नजरें अभी से लगी हुई है, मगर इसी बीच स्पेशल ओलंपिक के लिए भारतीय दल रवाना हो चुका है, जिनके हौसले को उड़ान देने के लिए फॉर्मर भारतीय क्रिकेटर प्लेयर मोहम्मद कैफ ने उन्हें सी ऑफ किया। अबू धाबी में 14 से 21 मार्च तक होने वाली स्पेशल ओलंपिक के लिए 378 सदस्यीय भारतीय दल को विदाई दी गई, जिसमें 289 एथलीट और 73 कोच शामिल हैं। भारतीय खिलाड़ी 24 ओलंपिक कॉम्पिटिशन में से 14 में भाग लेंगे। विदाई समारोह का आयोजन फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल में किया गया था। इस मौके पर पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने कहा कि स्पेशल ओलंपिक खास तरह की मुहिम है, मुझे भारतीय दल को विदाई देने का हिस्सा होने पर खुशी है। Yeah, I arrived here. I took a picture with them. You know, seeing the spark in their eyes. You know, I was so honored to come here and meet them. You know, face to face and interacted with them, and they are so excited. You know, they're going for the event. They know how big this event going to be, Olympic. And seeing them, meeting them personally, you know, I wish them lots of luck. And you know, they inspire me. If you ask me personally, inspire the Indian fans, all the millions of people, you know, watching them, following them, they are the role models. और अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आज के दिन साउथ अफ्रीका के कप्तान ग्रीम स्मिथ क्रिकेट को अलविदा कहा था। अपने आखिरी टेस्ट मैच में उन्होंने 245 रन से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। बता दें, ग्रीम स्मिथ ने अपने करियर में 117 टेस्ट मैचों में 9265 तो 197 वनडे में 6989 रन बनाए हैं। तो ये थी खेल जगत से जुड़ी कुछ खास जानकारी। देखते रहिए हिसाब खेल का। आपको हमारा शो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।